अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, आज हम बनाने लग गए हैं अंडा सैंडविच। उसके लिए हमने यहाँ पे लिए हैं ब्रेड, साथ हमने लिए हैं 2 अदद अंडे, और 1 अदद हमने यहाँ पे लिया प्याज, और एक छोटे साइज़ का हमने यहाँ पे लिया टमाटर, और 2-4 हमने यहाँ पे लिए हैं हरी मिर्चें। इन सबको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, और जो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ब्रेड लिए थे इनको हमने इस तरह से जो है ना वो पहले से काट के रखे हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे, और ये गोल गोल पीसेस ये देखें जी, ये हमने 4 अदर यहाँ पे ब्रेड लिए हैं। अब हम इनका जो है ना मिक्सर बना लेंगे। मिक्सर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने जो अंडे लिए थे उनको हम एक प्याले में तोड़ लेंगे। ये देखें जी, ये हमने अंडे जो है ना वो इसमें डाल लिए। अब हमने यहाँ पे जो हरी मिर्च ली थी और प्याज, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सैंडविच जो है ना घर में हमने ये तैयार कर लेना है अपने बच्चों के लिए। अक्सर बच्चे जो है ना वो ज़िद करते हैं कि हमने ये सब खाना है, तो आप जो है ना मार्केट में नहीं जा सकते, तो इस तरह से आप घर में जो अपने ब्रेड और अंडा है इसको इस तरह से बना लेना है, बच्चे अपने जो है ना ये खुश कर लेने। ये देखिए, इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर जो है ना 1/2 टीस्पून जो है ना हमने इसमें डाल दिया है, और 1/2 टीस्पून ही हम यहाँ पे नमक डालेंगे। और 1/2 टीस्पून यहाँ पे हमने जीरा लिया है, यहाँ पे जीरा डालेंगे। देखिए, इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मज़ेदार सा सैंडविच जो है ना हमने तैयार कर लेना है। ये हमने फेंट लिया है, ये देखिए जी, यहाँ पे हमने पैन लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा जो ऑयल है वो डाल के इस तरह से जो है ना पूरे पैन में फैला लिया। अब मैं इसमें जो है ना जो यहाँ पे जो मैंने स्लाइसेस काट के रखे थे उनको मैं इस तरह से एक पैन में डालूँगी। ऑयल हमारा जो है ना वो बिल्कुल गर्म हो गया। देखेंगे और ये हमारा मज़ेदार सा जो हमने आमलेट तैयार किया था वो हम इसमें इस तरह से डालेंगे। ये मैंने इसमें जो है बहुत ही प्यार से इसको डाल लिया है, और ऊपर जो मैंने यहाँ पे गोल गोल पीसेस काट के रखे थे वो इस तरह से मैं इसके ऊपर जो है ना वो प्रेस कर दूँगी, ताकि मज़ेदार सा हमारा जो सैंडविच है ना वो बिल्कुल सा तैयार हो जाए। ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको प्रेस कर लेना है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत से इसका कलर आ जाएगा। ये देखें, चूल्हे की आँच जो है ना वो आपने बिल्कुल बिल्कुल स्लो कर लेनी है, ताकि जो हमारा अंडा है ना वो अंदर से सही तरीके से जो है ना वो पक जाए। ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको हिला लेना है। ये देखें जी, अब हम इसको जो है ना दूसरी साइड से पका लेंगे इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें कितना खूबसूरत सा जो है ना हमारा इसमें अंडा जो हमने रखा था वो पक गया, उसका कलर देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत आया। ये हमारा अंडा सैंडविच जो है ना वो हमने घर पे तैयार कर लिया अपने बच्चों की फरमाइश पर। ये देखें जी, बहुत ज़्यादा हमने दूसरी साइड्स के इसको गोल्डन नहीं करना। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार और खूबसूरत सा ये बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखें, इस साइड से भी हमने इसको जो है ना फ्राई कर लिया था। ये देखें जी, अब हम इसको एक प्लेट में जो है निकाल लेंगे।
फिर से हम थोड़ा सा अपने पैन में जो है ना ऑयल लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से हम इसको जो है ना वो पला लेंगे और इसी तरह से हमने यहाँ पे दूसरा स्लाइस जो लिया था उसको रखेंगे और इसी तरह से हमने इसमें हमारा मसाला डाल लेना। देखेंगे इसको भी हमने सही से जो है ना वो प्रेस कर लेना है। आँच हमने बिल्कुल जो है ना वो स्लो कर दी है ताकि जो हमारा नीचे से हमारा अंडा है ना वो बिल्कुल जो है ना जले नहीं। ये देखेंगे ये देखें इसी तरह से हमने इसको भी जो है ना दूसरी साइड पे पलट लेना। ये देखें माशाल्लाह से ये देखें हमारा स्लाइस जो है ना बिल्कुल जो है ना तैयार हो गया है। ये देखें तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। ये देखें जी ये हमारा मज़ेदार सा जो है ना मज़ेदार सा सैंडविच जो है ना हमारा तैयार हो गया। ये हमने घर पे तैयार कर लिया और ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा हमने जो है ना सैंडविच लिया। यहाँ पे हमने साथ में हमने केचप लिया। आप केचप के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो आप चाय भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और अपने घर में ज़रूर बनाएं और इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि ये कैसा बना है। ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे घंटी का बटन दबाएं ताकि हम आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी के साथ हम आपके लिए हाज़िर हों और